हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 3 स्टेप हेयर कट। तो स्टेप हेयर कट किस तरीके से पूरा प्रॉपर अच्छे से लुक आएगा उसके लिए पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और हेयर कट का फाइनल लुक भी आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड सेकेंड चैनल है प्रीत तिवारी 2, जिसपे मैं कपड़ों से रिलेटेड डिजाइनर ड्रेसेज से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहती हूँ, तो वहाँ पे भी जरूर जाएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट वीडियो के लिए भी चैनल बना लिया, शॉर्ट्स बाय प्रीत तिवारी, शॉर्ट्स वीडियो बाय प्रीत तिवारी। तो उसमें मैं अपनी आवाज़ में मोटिवेशनल वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हेयर कट स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले आप इनके बालों की लेंथ देख सकते हो। बालों को अच्छे से गीला करना है और अच्छे से सुलझा लेना है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही सुलझा लिया था एंड वीडियो ऑन करने से पहले ही, तो बालों को अच्छे से सुलझा लिया है मैंने और अच्छे से कॉम कर ले रही हूँ। अब जितनी इनकी लेंथ निकालनी है उतना मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। तो इतना लेंथ इन्होंने बोला, थोड़ा छोटा कर दीजिए, तो इतना जहाँ पे फिंगर रखी है मैंने वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देंगे। अगर आप भी स्टेप हेयर कट कर रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रेट कट कर दिया है, बिल्कुल सीधा बालों को कट कर दिया है। जब बालों की वॉल्यूम कम हो तो आपको इस तरीके से नीचे से स्ट्रेट ही रखना चाहिए, बट इनके बालों की वॉल्यूम अच्छी थी फिर भी स्ट्रेट कट ही किया था मैंने। इतना लेंथ इनका निकाल दिया मैंने यहाँ से। उसके बाद ऊपर डायरेक्शन से हेयर को इस तरीके से कॉम करेंगे, जैसे हम लोग हाफ हेयर लेते हैं अपने क्राउन एरिया के, उस तरीके से हाफ हेयर मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। ओके, अब इनको पूरा ऊपर कॉम करके लेके जाएंगे अच्छे से। गीला कर ले रही हूँ बालों को। अच्छे से कॉम करके ऊपर 90 डिग्री पे लेके जाएंगे सारे बालों को। सॉरी, यहाँ पे कैमरे में दिख नहीं रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से दोनों साइड से अच्छे से कॉम कर लेंगे और पूरा 90 डिग्री पे लेके जाएंगे और इस तरीके से कट करेंगे। जहाँ से हमको स्टेप चाहिए उतना हेयर यहाँ पे कट कर देना है। तो बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी इनकी और इस पर स्टेप लेयर बहुत अच्छा लगता है हेयर कट कोई भी आप लोगे। अगर बालों की वॉल्यूम अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, तो कोई भी हेयर कट लो बहुत अच्छा आता है लुक। तो इस तरीके से मैंने कट कर दिया, काफ़ी अच्छा वन कट में ही इनका जो लेयर्स था, स्टेप था, अच्छे से दिख रहा था। अब आपको एक साइड से हमने नीचे से इस तरीके से हेयर को लेंगे हाफ हेयर और उसको ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे और हमको गाइडलाइन मिल चुकी है नीचे की एंड ऊपर की। अब बस इन्हीं को मिला देना है। इस तरीके से कट कर देंगे जो हमारा गाइडलाइन है वहाँ तक। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से कट कर लेना है जैसे हमने यहाँ पे कट किया है। वाव, लास्ट में आपको पूरा क्लियर दिखेगा, थोड़ा सा कैमरा का दिक्कत था। तो ये कितना मैंने दोनों साइड से इस तरीके से कट कर लिया और काफ़ी अच्छा सा हमारा कट यहाँ पर स्टेप कट हो चुका है। दूसरी साइड से भी कट करने के बाद से ऐसा लुक आया था जैसे हमने एक साइड से कट किया था, वैसे ही आपको दूसरी साइड से कट करना है। इसमें क्लचर लगाओ, पोनी बनाओ, खुले रखो, सब पे आपका जो लेयर है, स्टेप हेयर कट है, वो दिखाई देगा। एंड आपको और भी अच्छे से लुक चाहिए और अच्छा थोड़ा और स्टेप लेयर्स ज़्यादा दिखें, उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए बहुत अच्छे से वैसे दिख रहा है इसमें भी, लेकिन फिर भी आपको और भी अच्छे से चाहिए तो आपको देखिए क्लचर लगाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा ये। ओके, तो थोड़ा और अच्छे से कट लाने के लिए क्लचर लगाने के बाद ऐसा लुक आ रहा था। तो इनको चाहिए था थोड़ा सा और इसमें लेयर्स और कट ज़्यादा दिखे, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो क्लचर को ओपन कर लेती हूँ और फिर से एक कट और डाल दोगे जिससे कि आपको एडवांस कट का लुक मिल जाएगा, एडवांस स्टेप कट दिख जाएगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और क्राउन एरिया से बीच से इस तरीके से हेयर को उठाएँगे और 2 इंच हेयर कट कर देंगे यहाँ पर। इस तरीके से लिया है, ऊपर 90 डिग्री पर लेके जाएंगे और 2 इंच तक बीच के हेयर को, हेयर की जो लेंथ है उसको शॉर्ट कर देंगे जिससे कि जो हमारा स्टेप है और लेयर है वो काफ़ी अच्छे से दिखेगा।
ओके, तो ये हमने यहाँ पे कट कर दिया है। उसके सीजर को स्ट्रेट करके इस तरीके से कट्स लगा देंगे जिससे कि और भी प्यारा लुक आ जाएगा। अब इनका जो लेयर है और स्टेप है वो और भी ज़्यादा दिख रहा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये काफ़ी खुश थी अपने बालों की कटिंग से और क्लचर लगाने के बाद से कैसा लुक आया था वो दिखा देती हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छा सा स्टेप कट हमारे यहाँ पे हो गया। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो कैसा लगा आपको हेयर कट? आई होप कि पसंद आया हो। बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वीडियो ऑफ हो गया था, तो प्लीज़ डोंट माइंड। जैसे मैंने इस साइड का कट किया था वैसे ही सेम आपको दूसरी तरफ से भी कट करना है। एंड फाइनल लुक कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, प्रीत तिवारी टू एंड शॉर्ट्स वीडियो बाय प्रीत तिवारी। वहाँ पर भी जाके आप वीडियोज़ देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जल्दी से मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।